आदमी अपने आप से भाग सकता है। आदमी किस्मत से है, किस्मत से है। हिंदुओं को क्यों करते हैं अक्षय टारगेट? ओएमजी और राम सेतु का क्या होगा? ऑलमोस्ट प्लॉट सेम। अक्षय ने शेयर किया कौन सा पोस्ट शेयर? क्या है अक्षय की इस बार स्ट्रेटेजी? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। अक्षय कुमार हमेशा से ही ट्रेंड सेटर और सुपरस्टिशन बेकर का रोल निभाते आए हैं, चाहे वो पैडमैन हो या टॉयलेट एक प्रेम कथा। वो हमेशा से टैबूज को खत्म करते आए हैं और उस वजह से उनके फैंस से काफी तारीफ और फेम भी उन्हें मिला है। लेकिन एक बात जो लोगों के मन में सवाल उठाती है वो ये है कि हर बार ओएमजी जैसी मूवीज करके ये हिंदू रिलीजन और हिंदुस्तान के लोगों पर ही सवाल उठाते हैं। इसका रीजन कुछ लोगों के हिसाब से पॉलिटिक्स है और कुछ के हिसाब से सिंपल कोइंसिडेंस। बट क्या कोई एक्टर कोइंसिडेंटली स्क्रिप्ट साइन कर देगा? ऑब्वियसली सभी एक्टर्स का मूवी साइन करने के पीछे कोई मोटिव या एम होता ही होता है। होने को मे भी ये एक कोइंसिडेंस हो, पर मेजोरिटी ऑफ द पीपल को ऐसा नहीं लगता। ऑडियंस को कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि अक्षय हर बार चलते हैं कोई ना कोई चाल जो कि उनको लाइमलाइट में डाल देता है। बस अब जाननी है कि उनकी इस बार की स्ट्रेटेजी। खबरों की माने तो सुनने में आ रहा है कि इस मूवी को साइन करने का उनका मेन मोटिव है अयोध्या केस से मिलने वाली लाइमलाइट को ग्रैब करने का, क्योंकि वो केस फ्रेश है और ऑब्वियसली लोग काफी इमोशनल हैं उससे लेकर, जिसका फायदा अक्षय कुमार राम सेतु मूवी करके उठाने वाले हैं। हो सकता है ये सब बस एक अजम्पशन या फिर मे बी एक काफी बड़ा सच पर हो, लेकिन जो भी हो वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आपको ये भी बताते चले कि राम सेतु का डीयू में शूट कंप्लीट होने के बाद अक्षय ने एक पिक्चर के साथ पोस्ट शेयर किया जहां उन्होंने डीयू की तारीफ की थी। अब इन सब से क्या साबित होगा और क्या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और रखिए मूवी रिलीज होने तक पेशेंस। और इसी के साथ हम आज का वीडियो करते हैं समाप्त और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ।